गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की मैगज़ीन चल रही है। तो आज इस मैगज़ीन्स की एकदम से कंप्लीट होने वाली है ये मैगज़ीन, क्योंकि आज बस हम लोग की एक लेक्चर बची है जो कि हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट देखने वाले हैं। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी थी कल, मैं यहाँ पे 18 टॉपिक तक कंप्लीट कर चुकी थी। इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रल एडवर्स लिस्ट, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 19 टॉपिक से, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से आप जो कि कल की लेसन रिलेटेड है, जो कि न्यूज़ इन शॉर्ट में इन सारे टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिए, उस लोग का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर आगे के लेसन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन है आपको बतानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। फर्स्ट है कि जो इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। सेकेंड है कि जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, और साथ ही यहाँ पे दो स्टेट का नाम बताना है जिसकी रैंक 118 है और 119 है। तो ये इंडिया की दो सिटी है, दो स्टेट है जिसका नाम आपको बतानी है। थर्ड है यहाँ पे कि सेकेंड स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है, कमीशन हो गई है इंडियन नेवी में, तो इसकी नाम बतानी है कि सेकेंड क्लास जो यहाँ पे आपकी स्कॉर्पिन क्लास है उसका नाम क्या है। ओके, तो इसका नाम बताना है। फर्स्ट का भी आप बता सकते हो, दोनों का याद कर सकते हो, तो बता दीजिए। प्रोजेक्ट का नाम बताइए कि किस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इस तरीके की 6 आपकी स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन को बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब बनाया जा रहा है प्रोसेस में। तो फर्स्ट ऑलरेडी कमीशन्ड हो चुकी है, सेकंड को कमीशन कर दिया गया है, इसलिए सेकंड के बारे में मैं पूछ रही हूँ। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन का आंसर देना है, फर्स्ट सेकंड का नाम बतानी है, साथ ही यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम बताना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर में ये आपका जो है स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन बन रही है। ओके, तो इन तीन बेसिक क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देनी है। अब चलिए आगे हम लोग आर्टिकल देखते हैं। तो चलिए 19 से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, जो कि है बेसल बैन अमेंडमेंट। तो ये है क्या, क्रोशिया यहाँ पे हमारी 97 कंट्री बन चुकी है जो कि रेटिफाई की है इस तरीके के बैन, जो कि यहाँ पे कुछ पार्टीज़ जो बेसल कन्वेंशंस के हैं वो अडॉप्ट करते हैं, और ये बेसल कन्वेंशंस आपकी 1995 में आई थी। बेसल कन्वेंशंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बात की जाती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, जो भी हमारे यहाँ हैजार्डियस वेस्ट है उसके एडवर्स इफेक्ट से, यानी कि जो भी यहाँ पे गंदगी है उसके एडवर्स इफेक्ट से, नेगेटिव इफेक्ट से जो ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट में प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है बेसल नॉर्म्स के, यहाँ पे बेसल कन्वेंशन के द्वारा। ओके, तो एक बैंकों में बेसल नॉर्म्स चलता है तो वो अलग है, बेसल एक तरीके के स्विट्ज़रलैंड में आपको सिटी देखने को मिलेगी, तो उसी सिटी के नाम पे इस तरीके का कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन बेसिकली आपको इन्वायरमेंट से और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो बैन अमेंडमेंट है वो यहाँ पे रोकती है, यानी कि हर तरीके का एक्सपोर्ट जो कि हैजार्डियस वेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, साथ ही कुछ शिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि 29 वेल्थीएस्ट कंट्रीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट्स है, और ये आपका नॉन इकोनॉमिक आपका जो है OECD कंट्रीज़ में जाता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऑब्सोलेट शिप्स देखने को मिलेंगे जो कि आपका OECD कंट्रीज़ से लेकर नॉन OECD कंट्रीज़ में जाती है, तो इसके एक्सपोर्ट को यहाँ पर रोका गया है। ये यहाँ पे कुछ न्यू आर्टिकल्स है जो कि इस कन्वेंशन में रखा गया है, साथ ही ये जो है टोटल आपकी 97 कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगी। कंट्रीज़ कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड है, तो US, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, जो कि अभी तक इसको रेटिफाई नहीं की है इस तरीके के बैन में। अब बेसल कन्वेंशन के बारे में डिटेल देखते हैं। ये एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यहाँ पे डिज़ाइन की गई है इस तरीके से, जिससे कि जो भी तरीके का मूवमेंट हो, यानी कि जो भी आपका हैजार्डियस जितने भी कचरे वगैरह का अगर यहाँ पे नेशन में आपका किसी भी कंट्रीज़ में अगर मूवमेंट होता है तो उसको रोकना है, साथ ही यहाँ पे जो हैजार्डियस वेस्ट है जो कि बहुत ही गंदा कचरा है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है ट्रांसफ़र करने से। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री जो है लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अपनी कचरे को ट्रांसफ़र कर देती है, तो इस तरीके के कचरे को ट्रांसफ़र करने के लिए भी रोकना है, साथ ही यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसको मिनिमाइज़ करना है, जो भी वेस्ट जनरेट होती है तो उसकी टॉक्सिसिटी को यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट यहाँ पे आपका इंश्योर करानी है, साथ ही एक अच्छे तरीके से यहाँ पे हैजार्डियस और जो दूसरे वेस्ट जो कि जनरेट हो रहे हैं उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस कन्वेंशन के अंदर रखी गई है, और जितनी भी इनकी पार्टीज कंट्री है उनको इन सारे कन्वेंशन के रूल्स रेगुलेशंस को मानना होता है। साथ ही यहाँ पे जो मूवमेंट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, तो इससे रिलेटेड कोई भी एड्रेस नहीं होती है, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। साथ ही ट्रीटी कब से आई है, तो 1992 से आई है, और इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट है। हैती और यूनाइटेड स्टेट को अगर देखें तो अभी तक ये इसको कन्वेंशन को साइन की है लेकिन रेटिफाई नहीं की है, यानी कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए वो भी इसमें सिग्नेचर नहीं किए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है पीस सीटर फंड।
तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड कर रहे हैं ग्रांट, वो भी 4 प्रोजेक्ट को जो कि सेकंड राउंड में चल रही है पेस सीटर फंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे पेस सीटर फंड जो है वो यहाँ पे इंडिया और यूएसए के द्वारा 2015 में बनाया गया था, और ये एक जॉइंट फंड है जो कि यहाँ पे अर्ली स्टेज ग्रांट दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग देखोगे कि कहीं पे भी अगर कमर्शलाइजेशन करनी है ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट को, सिस्टम को और बिजनेस मॉडल को, तो इन सारी चीज़ों को अगर कमर्शलाइज करनी है तो यहाँ पर आपका इस तरीके का पेस सीटर फंड जो है इंडिया और यूएसए के द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट एक्शन समिट। यूनाइटेड नेशन की 2019 की जो क्लाइमेट समिट है वो यहाँ पे कन्वे किया गया, और इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये आपका जो समिट हुआ है इसकी थीम आपको ज़रूर याद रखनी है, थीम बहुत बहुत बार पूछ लिया जाता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आपसे थीम पूछी जाती है, तो इसलिए आपको याद रखनी है। इसमें कुछ की फोकस है कि किस तरीके से हम लोग जितने भी की एरियाज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करें, तो वो सारी चीज़ें इसमें रखी रहती है। यहाँ पे कुछ आउटकम्स हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। 73rd सेशन जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है, COP24 जो कि यूनाइटेड नेशन FCCC की है, साथ ही ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पे सिनर्जीज को स्ट्रेंथन करने के लिए है, पेरिस एग्रीमेंट और 2030 का एजेंडा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। इसमें कुछ यहाँ पे आपके एम्बिशियस सॉल्यूशंस हैं जो कि 6 एरिया में है। सबसे पहला है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है, एक सस्टेनेबल और एक अच्छी खासी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और फॉरेस्ट और ओशन को यहाँ पे मैनेज करना है। साथ ही यहाँ पे एक रिजिलियंस और एडेप्शंस होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट से होने वाले कोई भी प्रभाव को रोक सके। साथ ही यहाँ पे हमारी पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस होनी चाहिए, इसको अलाइनमेंट करना है जिसके थ्रू हम लोग नेट जीरो इकोनॉमी बना सके। तो ये सारी यहाँ पे 6 एरिया यहाँ पे आपकी एम्बिशंस है जिसको कि डेवलप करना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर रखी गई है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नेशनल वाटर मिशन अवार्ड। तो ये फर्स्ट ऐसा एनुअल नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है जो कि प्रेजेंट किया गया, तो इस अवार्ड के बारे में समझते हैं। ये नेशनल वाटर मिशन है और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आई है, और ये यहाँ पे इनिशिएट करी है नेशनल वाटर मिशन अवार्ड जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा अच्छे तरीके से। अगर कोई भी यहाँ पे वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और सस्टेनेबल तरीके से वाटर को मैनेज करके चल रहे हैं, तो उनको ये सारी अवार्ड यहाँ पे दी जाएगी। और ये जो अवार्ड है वो 10 कैटेगरीज में दिया जाएगा, और यहाँ पे 5 गोल रखा गया नेशनल वाटर मिशन के अंदर। अब नेशनल वाटर मिशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 8 मिशन है इस तरीके के एक्शन प्लान में, यहाँ पे 5 गोल है। पहला है कि एक अच्छे तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटा बेस यहाँ पे लेकर आना है पब्लिक डोमेन में, और जो भी इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से वाटर रिसोर्सेज में तो उसको यहाँ पे एक्सेस करनी है। गोल सेकंड है कि जो भी सिटीजन्स है या फिर स्टेट एक्शंस है कि स्टेट किस तरीके से यहाँ पे वाटर को कंजर्व कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे प्रमोट करना है। थर्ड है कि यहाँ पे कुछ अटेंशन देना है वल्नरेबल एरियाज़ में। फोर्थ है कि यहाँ पे जो वाटर का यूज़ है इफिशेंसी उसको यहाँ पे बढ़ानी है, वो भी 20% से। और फिफ्थ है कि यहाँ पे जो बेसिन लेवल जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है इसको यहाँ पे प्रमोट करनी है। तो ये 5 गोल्स है जो कि आपका नेशनल वाटर मिशन के अंदर रखा गया, तो ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है अल्पाइन ग्लेशियर लॉस। तो ये रिसेंटली क्या हुआ है कि पीपल्स जो है यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए बाहर आए हैं, वो भी एल्प्स ग्लेशियर में जो कि आपको बिजॉल देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, यानी कि ये जो ग्लेशियर है धीरे धीरे ये पिघलते जा रही है। 80-90% जो इसकी वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है अगर हम लोग इसको 2006 से देखें, और ये जो ख़त्म हो रही है ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, उसके कारण हमारी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारी हीट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो यही बस रीज़न है अगर अल्पाइन ग्लेशियर लॉस की बात करें तो यहाँ पे अराउंड आपको 4000 ग्लेशियर डॉटेड देखने को मिलेगा पूरे अल्प्स रीजन में, जो कि आपको स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पे अगर हम 80-50 से देखें तो 500 से ज़्यादा स्विस ग्लेशियर थे जो कि आज की डेट में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और रिसेंट जो स्टडी हुई है उससे यहाँ पे निकल कर आया कि कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि अल्प्स की जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो यहाँ पे एल्प्स से है और ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, और ये आगे आने वाले 8 डिकेड्स में कम्प्लीटली हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। तो ये बातें बताई जा रही है। तो आप लोग अगर इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की अगर कहीं भी लिखते हो या फिर अगर इस तरीके से अगर ग्लेशियर के बारे में कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल और करेंट एग्जाम्पल है वार्मिंग। ओके, तो आइए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है महाबलेश्वर, वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया।
तो महाबलेश्वर है जो कि महाराष्ट्र की एक रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मॉनसून मॉनसून रॉम में जो कि हमारी चेरापूंजी में है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती थी यानी कि 6,000 मिलीमीटर के अराउंड। लेकिन यहाँ पे आप महाबलेश्वर में देखोगे तो यहाँ पे 7,175 मिलीमीटर यहाँ पे रेन हुई है। तो यानी कि मॉनसून रॉम जो चेरापूंजी में थी, हम लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया में चेरापूंजी एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसको वेटेस्ट एरिया कहते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा वेटेस्ट एरिया कौन सी हो गई है, तो महाबलेश्वरम जो कि इस बार IMD जो है यहाँ पर अपनी रिपोर्ट के अनुसार लेकर आई है। जो हेवी रेन हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश रेन हुआ है मलाबरेश्वर में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिला वेस्ट बंगाल रीजन में, उड़ीसा रीजन में। और ये जो आपका मूवमेंट हुआ है ये सेंट्रल इंडिया से हुआ है और इसमें आपको साउथ वेस्ट मानसून की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग विंड देखने को मिलेगी। 5 रिवर्स है जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहने का मतलब है कि जो ईस्ट की तरफ बहती है। ओके, तो ये है आपकी कृष्णा और इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना, वीना, गायत्री। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो ये है सावित्री जो कि यहाँ पे अरेबियन सी में ये गिर जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ये होगी नॉर्थ, ये होगी साउथ, ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपकी महाराष्ट्र वाली रीजन में यहाँ पे आपका महाबलेश्वर है। तो यहाँ से अगर ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो इस तरीके से आपका ईस्ट में आएगी और ईस्ट में फ्लो होके उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल से मिल जाएगी। वहीं अगर वेस्ट फ्लोइंग की बात करें तो वो इस तरीके से फ्लो होगी और ये आपका जो है यहाँ पे अरेबियन सी से आके मिल जाती है। ओके, तो हमारे यहाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत ज़्यादा है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत कम है, एका दुका ही है। ओके, तो इसलिए ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं न्यू वीट फ्रॉम IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे एक न्यू वेराइटी की वीट यहाँ पर लेकर आई है जो कि है SD3226 और पूषा वशासवी। ओके, तो ये आपकी प्लांटिंग है जो कि अपकमिंग रबी क्रॉप सीजन में इसको लगाया जाएगा। तो इसकी यील्ड अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा होगी जो भी नॉर्मल वीट की वैरायटी है उससे रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे हायर कंटेंट आपको प्रोटीन और ग्लूटीन का बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। जो वैरायटी है उसमें हाई लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है यानी कि सारे जो मेजर रस्ट फंजाई, येलो स्ट्राइप है, इन सबको रेसिस्ट कर पाएगी। न्यू वैरायटी जो है इसको हम लोग एमेनेबिलिटी भी कहते हैं जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को कंजर्व करेगी। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एक तरीके की फार्मिंग होती है जो कि जितने भी तरीके का जो लॉस देखने को मिलता है अरेबल लैंड में, तो उससे उसको प्रिवेंट करेगी। साथ ही एक डिग्रेडेड लैंड को भी जनरेट करेगी। यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस भी हो पाएगा हमारे परमानेंट सॉइल कवर का, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस भी है और कुछ प्लांट स्पेसिस के डाइवर्सिफिकेशन में भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में होती है। कुछ रिसेंट क्रॉप हॉर्टिकल्चर वैरायटीज़ अगर हम लोग इनके तरफ से देखें IARI के तरफ से, तो पहला है कि पूसा बासमती 1718, तो ये राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट है कि पूसा संबा 1850, हाई यील्ड वैरायटी है, नॉन बासमती है, मीडियम स्लेंडर ग्रेन है। पूसा आदिति की बात करें तो ये ग्रेप्स की हाइब्रिड है जो कि रिलीज़ की गई है। पूसा सोना की बात करें तो ये ओनियन की, प्याज की ये वैरायटी है। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है, कई बार इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो इसको आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। दो चार बार आप लोग जब रिवाइज करोगे तो निकाल लोगे नज़र में, तो आप लोग को ऐसे भी याद हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसको नीट कहते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके की न्यू स्कीम्स को अनाउंस की है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में देखते हैं ये किस तरीके की स्कीम है, इसमें क्या क्या आपका फीचर्स है। सबसे पहला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है जिसका एम है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को और ईज़ करना है, जिसके थ्रू हम लोग अच्छा खासा एक लर्निंग यहाँ पर निकाल कर आए, वो भी हायर एजुकेशन में ज़्यादा आउटकम्स मिल पाए। साथ ही यहाँ पर पार्टनरशिप भी कुछ कंपनीज़ के साथ होगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू लर्निंग को और ज़्यादा यहाँ पे पर्सनलाइज्ड किया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ईज़ किया जाएगा। इसका एम है कि यहाँ पे हम लोग को स्टार्टअप कंपनीज भी स्टार्ट करना है जो कि इस टेक्नोलॉजी में वर्क करें, वो भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो कि एक ईजियर एक्सेस दे सके स्टूडेंट्स को। एड टैक की बात करें यहाँ पे तो कंपनीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी सारे सॉल्यूशंस को डेवलप करने में और सारे रजिस्ट्रेशन को, यानी कि जितने भी लर्नर अगर नीट पोर्टल के थ्रू अगर वो पढ़ना चाहते हैं उनको मैनेज करना है, तो यहाँ पे एड टैक कंपनी है जो कि इसको मैनेज करेगी। ये यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज फीस है एज़ पर देयर पॉलिसीज़, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर साइन किया गया है शॉर्ट लिस्टेड एड टैक कंपनीज़ के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे फैसिलिटेटर जैसा काम करेंगे, इंश्योर कराएंगे कि आपको सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हो। ओके, तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, एड टैक का नाम याद रखना है कि एड टैक कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों को हैंडल करने में। साथ ही ये किस तरीके की आपकी स्कीम है इसके बारे में आपको याद रखना है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ओके,
उसके बाद यहाँ पे कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर आपकी टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको कि AICTE कहते हैं, ये हमारे वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर। नेशनल लेवल एक रेगुलेटर है जो कि जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है हमारे कंट्री में, जैसे BTEC वगैरह आप देखते हो, तो इसी के अंदर में ये प्रोसेस चलती है। जो स्कीम है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाएगा यहाँ पे एपिक्स कमेटी के अंडर में, साथ ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी भी होंगे जो कि बनाया जाएगा, जिसके थ्रू एड टेक की जितनी भी सोल्यूशंस है उसको एवेल्युएट भी किया जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको सारी पॉइंट यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपकी। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल आपकी न्यूट्रिशन सर्वे है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है फरवरी 2016 से अक्टूबर 2018 के बीच में। ये फर्स्ट स्टडी है जो कि यहाँ पे लिया गया है, और जो भी माल न्यूट्रिशन से उसके मेजर्स की गई है कि कितने लोग जो है यहाँ पे कुपोषित के शिकार हैं, इस जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, वो भी बायोकेमिकल मेजर्स जैसे कि ब्लड और यूरिन सैंपल लेकर, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटाज भी यहाँ पे लिया जाएगा, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, आपकी BP वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, थायराइड हो जाती है, तो इन सारी की भी डिटेल्स यहाँ पर ली जाएगी। अब यहाँ पर फाइंडिंग क्या निकल कर आया है ये देखते हैं। बताया जा रहा है कि 10% जो बच्चे हैं जिनका एज यहाँ पे 5 से 9 साल है, या फिर कोई एडोलेसेंट है जिनका एज यहाँ पे 10 से 19 साल है, वो यहाँ पे प्री डायबिटिक है, यानी कि डायबिटिक उनको होने की चांसेस है। 5% जो बच्चे हैं वो ओवरवेट है, यानी कि जितना उनका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे 5% की बात करें तो वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर से ही अपनी जूझ रहे हैं, यानी कि बच्चे हैं एडोलेसेंट एज के 19 ईयर्स तक के हैं, लेकिन उनको यहाँ पे प्री डायबिटिक और इस तरीके का हाई ब्लड प्रेशर्स वाली सीरीज़ देखने को मिल रही है। एक क्वार्टर ऑफ अगर हम लोग 5 to 9 ईयर्स देखें या फिर 10 to 19 ईयर्स ओल्ड बच्चे में देखें, तो वो काफ़ी थिन है अगर उनके एज के अकॉर्डिंग देखें, और 5 बच्चों में से एक बच्चे जो है वो यहाँ पे स्टंटेड है, यानी कि अपने एज के अनुसार उनकी हाइट यहाँ पे छोटी है। तमिलनाडु और गोवा की बात करें तो उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एडोलेसेंट है जिनको यहाँ पे ओवरवेट देखा गया है, तो ये आपको स्टेट भी याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लेते हैं ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारी आती है, तो उससे इस तरीके की सर्वे कैसे डिफरेंट होती है। एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या है कि एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनके एज के हिसाब से उनका वेट कितना है, उनके एज के हिसाब से उनका हाइट कितना है, उनके हाइट के अनुसार से उनकी वेट कितनी है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना है, तो ये सारी चीज़ें मेज़र किया जाता है, जिससे कि हम लोग स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर वेट देखते हैं। ओके, और वहीं अगर हम लोग NHFS की तरफ देखें तो NHFS में भी देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स जो कलेक्ट किया जाता है वो बच्चों का किया जाता है 1 से 5 साल के बच्चों में और एडल्ट्स में, लेकिन यहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चों को नहीं देखा जाता जो कि 5 से 19 साल के बीच में है। तो ये जो आपकी सर्वे है, यानी कि अभी जो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे देख रहे हैं, इसमें आपकी जो यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे एज रखा गया, तो एडोलेसेंट बच्चे भी है जिनका कि 10 से 19 साल के बीच में है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बच्चे को ही देखा जाता है, 1 से 5 साल के बच्चों में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है मेनली यहाँ पे आपका जो ये अभी हम लोग पढ़े थे, तो इसमें मेनली यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, और यहाँ पे आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में तो इसमें स्टंटेड, वेस्टिंग और अंडरवेट ये सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है। ओके, यानी कि आपका एज के अनुसार आपकी हाइट कितनी है, एज के अनुसार आपकी वेट कितनी है, और आपके हाइट के अनुसार आपकी वेट कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की जाती है। तो दोनों सर्वे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हर एक सर्वे में क्या यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईट राइट इंडिया कैंपेन। तो ईट राइट इंडिया कैंपेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी, और इसकी न्यू लोगो आ चुकी है और टैगलाइन भी आ चुकी है। तो टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन, ये आपका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ किया गया। अब इसके बारे में देखते हैं कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट है क्या। इसको 2018 में ही लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू हम लोग लोगों को ये अवेयर कर सके कि कैसे उनको सही खाना खाना है। पब्लिक हेल्थ की बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जो नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स है उसको हम लोग को यहाँ पे ख़त्म करना है। एक मल्टी सेक्टोरल एफर्ट्स है जो जिसमें कि प्राइमरी फोकस यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग डेली जो इंटेक करते हैं सॉल्ट, शुगर, फैट या फिर फेजिंग आउट ट्रांस फैट को, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को बाहर निकालना है। साथ ही यहाँ पे हेल्थियर फूड ऑप्शंस को इंक्लूड करनी है। ये दो ब्रॉड पिलर में आपका इंक्लूड है, या तो आप लोग को खाना है तो हेल्दी खाना है और सेफ खाना है। साथ ही यहाँ पे 3 ongoing इनिशिएटिव है जो कि एक साथ लाया गया है। एक तो है सेफ़ एंड न्यूट्रिशंस फूड इनिशिएटिव, ये आपका फोकस किया जाएगा सोशल और बिहेवियर चेंज करने में फूड सेफ्टी को लेकर। साथ ही ईट हेल्दी कैंपेन, कि आपको जो भी खाना है हेल्दी फूड खाना है। और थर्ड है फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाएगा 5 staple food कि वीट, फ्लोर, राइस, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट कितना आपको लेना है, जिसमें कि आपकी विटामिन, मिनरल सब कुछ एडेड हो और आपको न्यूट्रिशनल कंटेंट पूरी तरीके से मिल सके। ईट राइट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर को साथ में लाया गया है, डिमांड और सप्लाई साइड से भी।
डिमांड साइड से बात करें तो यहाँ पे ईट राइट मूवमेंट जो है वो यहाँ पे फोकस करेगी कि सिटीजन्स को इम्पावर करना है कि वो अच्छे तरीके से अपनी फूड को चॉइस में रख सकें। सप्लाई साइड की बात करें तो यहाँ पे फूड बिजनेस को पूरी तरीके से बतानी है कि वो रीफॉर्मुलेट करें अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा सा बेटर यहाँ पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करें, साथ ही हेल्दी फूड में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ओके अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है ग्लोबल फंड फॉर एड्स टीबी एंड मलेरिया। इंडिया यहाँ पे अनाउंस की है कि वो कंट्रीब्यूट कर रही है $22 मिलियन, वो भी ग्लोबल फंड में, वो एड्स टीबी और मलेरिया के लिए सिक्स रिप्लेनिशमेंट साइकिल में, और ये आपका 2020 से 2022 तक चलेगा। तो इस ग्लोबल फंड के बारे में समझते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक यूनिक पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, वो भी गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के बीच में है। ये आपका बनाया गया है जिसके थ्रू कुछ एडिशनल फाइनेंसिंग को यहाँ पे बढ़ाया जा सके, रेस किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, डिस्पर्स किया जाएगा, जिसके थ्रू जो तीन यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज़ है, सबसे खतरनाक बीमारी है जैसे एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया है, इसको यहाँ पर बेटर तरीके से फाइट कर सके। यहाँ पर जो रजिस्टर किया जाएगा वो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के थ्रू और स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा, और इसको जो मेंटेन किया जाता है इसकी सेक्रेटेरिएट आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी ट्रस्टी ऑफ फंड है, यानी कि कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल फंड में, और साथ ही ये ग्लोबल फंड की जो फंडिंग है वो यहाँ पे वॉलेंट्री ग्लोब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से आ रही है जो कि सारे सेक्टर्स से, है जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सोशल इंटरप्राइज, इंडिविजुअल, ये सब कुछ। ओके इस रिप्लेनिशमेंट मॉडल के अंदर देखें तो डोनर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली फिक्स करें अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को, यानी कि आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इंडिया की बात करें तो वो पार्टनरशिप भी यहाँ पे ग्लोबल फंड के साथ की हुई है, वो भी 2002 से ही, और यहाँ पे उनकी फंडिंग जो है एड्स, टीवी और मलेरिया को लेकर वो हमेशा रहती है। ओके नेक्स्ट आते हैं साथी इनिशिएटिव, अगेन इंपॉर्टेंट। आईआईटी खड़गपुर जो है अभी सेलेक्ट की गई है कि वो वहाँ पे साथी इनिशिएटिव को लॉन्च करेगी, यानी कि सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में समझते हैं। ये एक इनिशिएटिव है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसमें जो स्टेट ऑफ आर्ट शेयर्ड है उसको यहाँ पे आपका डेवलप किया जाएगा, और बच्चों में एक अच्छा खासा स्किल यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसका एम है कि प्रोफेशनली सारी चीज़ों को मैनेज करना है एक अच्छे से एफिशिएंसी के साथ और एसेसिबिलिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे, और साथ ही फैसिलिटेट की बात करें तो यहाँ पे 80% जो उनके अवेलेबल टाइम है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के द्वारा दिया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर जो है वो यहाँ पे ट्रीट करेगी साथी सेंटर को एज अ सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के जैसा, जिसमें कि जो भी साइंस बेस्ड जो कल्चर है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट की जाएगी। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर IIT दिल्ली और BHU बनारस वाराणसी जो है वो भी अदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे साथी फैसिलिटीज़ इसको यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है सेलमोनेला। तो ये है क्या एक्चुअली, रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सेलमोनेला बैक्टीरिया को यहाँ पे पाई है जो कि MDH प्रोडक्ट में कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर रही है। सेलमोनेला एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें कि फूड बॉर्न जो इलनेस है, बीमारियाँ हैं, वो यहाँ पर इसमें देखा गया है। WHO आइडेंटिफाई कर रही है सेलमोनेला को एज वन ऑफ द फोर की ग्लोबल कॉज जिसके कारण यहाँ पे डायरोलियल डिजीजेज हो रही है। तो सेलमोनेलिस जो है ह्यूमन में वो जनरली यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्टेड होता है कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड जो कि एनिमल ऑरिजिन से, जैसे कि मेनली आपकी एग्स हो गए, मीट हो गए, पोल्ट्री हो गए, मिल्क हो गए, तो इन सारे एनिमल्स से जो भी यहाँ पे आपका जो फूड निकलता है अगर वो कंटामिनेटेड है तो उससे इस तरीके की डिजीज़ हो रही है। ओके अदर फूड्स भी है जैसे कि आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स भी है जिससे जो कि मैन्योर से यहाँ पे कंटामिनेटेड हो जाते हैं, जो खाद वगैरह देते हैं तो उससे भी बहुत सारे फूड्स होते हैं जिसमें कि आपका कंटामिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपके लिए सेफ हो, कहीं ना कहीं अनसेफ वाली बात हो जाती है। पर्सन टू पर्सन भी ये ट्रांसमिशंस होती है इस तरीके की आपकी जो डिजीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं जो कि है डेनिसोवान्स। तो डेनिसोवान्स है क्या, साइंटिस्ट अभी फर्स्ट टाइम रीस्ट्रक्चर किए हैं डेनिसोवान्स, एक स्केलेटन फीचर्स है जो कि आपको यहाँ पे जो DNA है ना मिथाइलेशंस उसको यहाँ पे यूज़ करके किया जा रहा है, जिसके थ्रू ये समझ पाएंगे कि कितने लंबे समय तक जो है ना ह्यूमन रिलेटिव लुक लाइक, यानी कि ह्यूमन जो लॉन्ग लॉस्ट जो ह्यूमन रिलेटिव है वो वैसे दिखते हैं। ओके और ये नेचर के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है। तो डेनिसोवान्स जो है ये आपका एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है ह्यूमनाइट का, साथ ही एक क्लोज रिलेटिव आपको देखने को मिलेगा जो आज के डेट में जो ह्यूमंस है ना उसके क्लोज रिलेटिव है। ओके तो ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस एक बार आप आंखों आंखों में निकाल लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाटर फाउंड ऑन एक्सोप्लैनेट। तो एस्ट्रोनोमर्स है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्कवर किए है वाटर, वो भी हमारे
तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाटर फाउंड ऑन एक्सो प्लैनेट। तो एक्सो प्लैनेट होती क्या है? वो सारी प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में आपको 8 मेजर प्लैनेट देखने को मिलेंगे। पहले 9 थी, इट मींस कि उसमें प्लूटो भी ऐड थी, लेकिन अब प्लूटो को बाहर कर दिया गया, प्लूटो को एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। तो हमारे सोलर सिस्टम में एट प्रेजेंट आपको 8 प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, और उनके बाहर जितने भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं उसको एक्सो प्लैनेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सो प्लैनेट जो कि हमारी K2-18b है, जो कि हम लोग लास्ट कुछ महीने पहले मैगजीन्स में हम लोग पढ़े थे कि एक एक्सो प्लैनेट फाइंड आउट हुआ है, जिसको K2-18b कहते हैं। तो अब इसमें पाया जा रहा है कि इसमें वाटर भी है। ओके, और इसको हम लोग ऐसे ड्वार्फ स्टार भी कह रहे हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। तो K2-18b की बात करें, जो कि 8 टाइम्स यहाँ पे आपके अर्थ के मास से, और इसको एज ए सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर फाउंड आउट हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपकी गोल्ड स्किमेटाइट। तो ये एक न्यू मिनरल्स है, गोल्ड स्किमेटाइट, जो कि यहाँ पे डिस्कवर किया गया है डायमंड में और साउथ अफ्रीका में अनअर्थिंग करके। गोल्ड स्किमेटाइट की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे निबोनियन की, पोटेशियम की और रेयर अर्थ एलिमेंट की, साथ ही यहाँ पे सेरियम भी होते हैं। ओके, तो इस तरीके का याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा कंपेन। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो एंड वेलफेयर है, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया एक कंपेन जिसका नाम है टीबी हारेगा और देश जीतेगा, क्योंकि इससे यहाँ पे जो टीबी की जो केयर सर्विस है ना, वो हमारे कंट्री में और इम्प्रूव हो पाए और थोड़ी एक्सपेंड हो पाए, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे कंपेन चलाया जा रहा है। और टीबी मुक्त यहाँ पे आपको जो है 2022 तक करने की प्लान है। जो कंपेन है इसमें 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है कि क्लिनिकल अप्रोच यहाँ पे लेकर चलना है, पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट है, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट भी आपको इस कंपेन में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट है, पेशेंट सपोर्ट है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमिटमेंट होती है हर एक लेवल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि सारे पेशेंट को पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हाई क्वालिटी टीबी केयर दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है उम्मीद फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे लॉन्च की उम्मीद, एंड उम्मीद यहाँ पे स्टैंड्स करती है आपकी यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव। इसका एम है बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर। और यहाँ पे एक मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक को भी किया जाएगा हॉस्पिटल में, जिसके थ्रू यहाँ पे बेनिफिट हो पाएगा डेवलपमेंट में, जो कि हमारी मेडिकल जेनेटिक है, जो कि एक पेशेंट तक रीच हो पाए। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि जैसे जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये आपका चलते जाता है, जैसे कि आपके दादा दादी में किसी को होंगे तो उससे आपके पापा को आ गए होंगे, पापा से आपको आ सकते हैं, तो इस तरीके का एक जेनेटिक डिजीज़ चलते रहता है। ओके, इसको सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और उम्मीद इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी 3 कंपोनेंट है। पहला है कि निदान को यहाँ पे, निदान केंद्र को यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी, यानी कि नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि आपका सारा कुछ होगा, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी डायग्नोसिस होगी, मैनेजमेंट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर दिया जाएगा। साथ ही सेकेंड है यहाँ पे कि आपको स्किल्ड क्लिनिशियंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड है कि आपकी जो स्क्रीनिंग है, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबीज़ है तो उसकी स्क्रीनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल गोल कीपर गोल्स अवार्ड 2019। तो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी है उनको इस तरीके का ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड दिया गया। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिकली ये हर एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि बार बार पूछा जा रहा है रिपीटेडली कि कौन सी यहाँ पे आपकी जो अवार्ड है वो पीएम मोदी को दिया जा रहा है या फिर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है, तो याद रखना है। तो ये जो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, इनको दिया गया है। गोलकीपर जो आपका गोल्स है उसकी अवार्ड के पर्पस है कि यहाँ पे चेंज मेकर को फैसिलिटेट करनी है वर्ल्ड में, कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे 5 कैटेगरी है टोटल, जैसे कि प्रोग्रेस अवार्ड है जो कि एज 16 से 30 के बीच में है, चेंज मेकर अवार्ड है जो कि 16 से 30 के बीच में, कंपेंज अवार्ड है 16 से 30 एज के बीच में, गोलकीपर वॉइस अवार्ड है, और गोलकीपर आपका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है। ओके, तो ये 5 कैटेगरी है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इस कंपेन में चेंज मेकर और प्रोग्रेस अवार्ड है विनर को दिया जाता है $10,000, वो भी अनएलोकेटेड फंड में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है मनी के फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो 4th प्लेस यहाँ पे रैंक बहुत ही इंप्रूव हुई है, 44 रैंक में हमारी आ चुकी है इस बार रैंकिंग में। डिजिटली हम लोग कितना कॉम्पिटिटिव रैंकिंग ला पा रहे हैं इसमें हम लोग को इंश्योर किया जाता है। साथ ही जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना और एक्सप्लोर करने की बात की जाती है। यहाँ पे कुछ इकोनॉमी को भी एवेल्युएट किया जा रहा है, 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट है कि नॉलेज,
कि कितना कैपेसिटी है कि आप समझ सक रहे हो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को और कितना समझ पा रहे हो। सेकंड है कि टेक्नोलॉजी यानी कि न्यू डिजिटल जो इनोवेशंस है उसको डेवलप किया जा रहा है तो उसमें कितनी कॉम्पिटेंस है। फ्यूचर रेडीनेस क्या है यानी कि आने वाले डेवलपमेंट में कितना हम लोग तैयार है। तो इन तीन आपकी इंडिकेटर है जो कि आपको याद रखना है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस। ओके, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़ा टफ किया जा रहा है तो टफ करने के लिए आजकल क्या है कि इंडेक्स में आपका इंडिकेटर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही इंडिया की पोजीशन देखें तो 2018 में 48 थी, वहीं अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे 44th रैंक आ चुकी है और सारे फैक्टर्स में हमारी इंप्रूवमेंट हुई है यानी कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस तीनों में हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। टॉप 5 कंट्रीज़ की भी नाम आपको याद होने चाहिए। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर US है, फिर सिंगापुर, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारा लास्ट है, ये है डिजिटल पेमेंट अभियान। रिसेंटली यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कोलैबोरेट की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ जो कि मीटी है और गूगल इंडिया के साथ, और यहाँ पे कोलैबोरेट करके एक नेशन वाइड जो अवेयरनेस कंपेन है डिजिटल पेमेंट अभियान इसको लॉन्च कर रही है। यहाँ पे जितने भी न्यू यूज़र है एंड यूज़र्स है उनको एडुकेट किया जाएगा और डिजिटल पेमेंट से क्या बेनिफिट है उनको ये चीज़ सारी चीज़ें दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे 7 लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठा। साथ ही यहाँ पे यूज़र्स के साथ इसको इंगेज किया जाएगा और उनको अवेयर कराया जाएगा कि डिफरेंट जो पेमेंट चैनल्स है उसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स होना चाहिए, जैसे कि आप लोग UPI के थ्रू पेमेंट करते हो या वैलेट है या फिर आपका कार्ड है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पेमेंट आपका जो मेथड है, तो आप लोग जो भी ऑप्ट करते हो उसको आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे जान सको, समझ सको। ओके, साथ ही यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। ये नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शंस में इंडिया में और इसको NASSCOM के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया है। ये कमिट करती है कि यहाँ पे साइबर स्पेस सेफ और सिक्योर और ट्रस्टेड दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि फर्दर यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि DSCI इंगेज होगी गवर्नमेंट के साथ, इनके एजेंसीज़ के साथ, रेगुलेटर्स के साथ और इंडस्ट्री सेक्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ और थिंक टैंक के साथ भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो गाइस हमारी यहाँ पे जो न्यूज़ इन शॉर्ट वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है और गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ये लेसन नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, पूरी तरीके से ये मैगजीन कंप्लीट हो गई है। एक इथिक्स का बचा हुआ है जो कि मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही जो इससे पहले आपकी अगस्त मंथ की 2-3 लेसन बची हुई है वो भी कल आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।